गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। स्पष्ट किया कि केवल एक पूरी गीता जी में दो स्थानों पर 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है मंत्रों के विषय जो साधना करनी है। अन्य जिसमें नहीं लिखा तो वो नहीं करना, हमने बिल्कुल गलत साधना है, वो शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र विरुद्ध साधना जो है मनमाना आचरण है, जो गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं। देखिएगा 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, जो साधक जो पुरुष जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण अर्थात पूजा करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को और न सुख को ही। कति टोटली गलत। गीता जी में केवल एक ओम नाम का जाप और ये यज्ञों के विषय में 5 यज्ञ करनी है, केवल इतना ही वर्णन और यही वेदों में है। इसके अतिरिक्त जो भी हम साधना या कोई मंत्र संत देते हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से व्यर्थ है, ये हमारी पवित्र गीता जी बता रही है। पुराणों में जो भक्ति वे लिखा वो गलत है, वो शास्त्र अनुकूल नहीं है। हाँ, उसमें केवल एकाध स्थान पर लिखा है जो वेदों से मिलता है वो तो टिप्पणी ठीक है, जैसे दुर्गा कहती है 7वें स्कंद में कि उस ब्रह्म को टारगेट बनाओ, उसी को उद्देश्य लक्ष्य बनाओ, उसका एक परवण ओम मंत्र है, उसी के जाप से उसी को प्राप्त किया जाता है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। ये तो है उसमें ठीक, और बाकी अन्य ओम नमः शिवाय हरि ओम ब्रह्म के लिख रखे जैसे एवं नमः, ये इस तरह के ब्रह्म कितने मंत्र बनाए वो सब व्यर्थ है। ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, इस तरह के जो है ये सब व्यर्थ मंत्र है। तो यहां हमने इस पॉइंट पे आना है। अब ये तो ओम मंत्र तो है ब्रह्म का, और उस पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए ओम भी साथ जपना होगा। अभी आपने 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में पढ़ा कि मेरी जो साधना है वो शास्त्र अनुकूल प्रारंभ होती है। अब देखिए अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 11, मैं ये बार श्रेष्ठ मैं बलवानों का बल आसक्ति और कामनाओं से रहित बल का सामर्थ्य हूँ और सब भूतों सब प्राणियों में धर्म अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम यानी कार्य हूँ। अब ब्रह्म ओम नाम से शास्त्र अनुकूल साधना प्रारंभ होती है, लेकिन केवल ओम नाम की साधना है तो शास्त्र अनुकूल लेकिन कंप्लीट नहीं है। इसलिए ओम नाम का जाप करके हम प्रभु प्राप्ति पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, जन्म मरण के चक्कर में ही पड़े रहे, इसका इतना ही फल है। ओम नाम के जाप का आप विधिवत साधना करते रहोगे पूर्ण संत से लेकर के, तो उससे आप ब्रह्म लोक जाओगे, ब्रह्म लोक में जाकर के फिर अपने पुण्यों को क्षीण करके फिर वापस आओगे। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक तक सभी जितने भी साधक ब्रह्म लोक तक पहुंच जाते हैं ये भी पुनर्वर्ती में है,
पुनरावर्ती में है, यानी इनका भी जन्म और मृत्यु होता ही रहता है। और ब्रह्म खुद कहता है कि मेरा भी जन्म होता है, मैं अविनाशी नहीं हूं, जन्म मृत्यु होती है। अब आपको 17वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। अपुणात्माओं, जो धर्मदास जी का प्रकरण चल रहा था उसके माध्यम से परमात्मा ने हमें शिक्षा दी है। धर्मदास जी को भी प्रेरणा देकर के निकाला काल के जाल से, तो धर्मदास जी ने गीता जी का पाठ किया जिसमें 7वां अध्याय पूरा पढ़ा। फिर उसने देखा कि ये साधु, ये जो जिंदा है, ये मुसलमान भक्त है, ये हमारे गीता जी के ज्ञान से बड़ा प्रभावित है। अब कबीर साहब जी जो पढ़ रहा था ना, ऊंचे स्वर से बोलने लग गया गीता जी के पाठ को, कौन धर्मदास, और कबीर साहब नौकरे, बिल्कुल ठीक, वाह भाई वाह। तो इससे उसको ये हो गया कि तेरे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुन रहा है। तो उसने 8वां अध्याय भी पढ़ा, फिर और भी पढ़ दिए, व्यक्ति प्रभावित होकर हो सकता है ये कल्याण करवा लिया, हमारे गुरु जी के पास जाकर छोड़ दे गलत साधना को, उसका उद्देश्य ये था। तो वो पढ़ रहा है और फिर जो उसने पढ़ लिया ना, फिर परमात्मा उसको समझा रहा है। रघोड़े आदमी, अब आप नाम जाप करते हो, हरे राम 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 हरे राम है, सीताराम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, और तो गीता क्या कह रही है इसमें, यू मंत्र को नहीं जो तुम जाप करते हो, विष्णु जी का स्तोत्र है त्री गीता जी में, रोज गीता जी का पाठ तू कर रहा है अरे बूढ़े आदमी, और इसमें क्या लिखा है। तो जब उसने ये सारा कुछ पढ़ लिया, जो परमात्मा ये निर्णय करने लगे जो दास आपके समक्ष कर रहा है। अब 17वां अध्याय का 23वां श्लोक देखो, अध्याय नंबर 17 और 23 नंबर श्लोक, इसमें क्या कहा है कि ओम ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध सवर्तः। अब ब्रह्मणे का अर्थ क्या लिखा है ना, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का, यानी ब्रह्म सचिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम जीव पुरुष वो परम अक्षर ब्रह्म। कहते हैं ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थः, यानी परम अक्षर ब्रह्म का के स्मरण का, ये ओम तत् सत यही निर्देश है इस तीन मंत्र को के तीन विधि से जाप करने का। इस ओम तत् सत, ये ओम मंत्र तो है ब्रह्म का, ये तो क्लियर है, और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास आपको देगा, क्योंकि तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ रखी है गीता जी में 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में, कि ये जो मैं ज्ञान गीता का बता रहा हूँ ये तो मैंने तुझे दिया बता, इसके आगे जो ज्ञान है वो परम पूर्ण परमात्मा को पाने का कोई तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे पूछो, वो जानता है, और वो उस परमात्मा के मुख्य ज्ञान में लिखा हुआ, तत्व ज्ञान में लिखा हुआ। तो ये ओम मंत्र तो ब्रह्म का, और तत् जो ये और मंत्र है जो दास देगा आपको, और अनुपदेशी को नहीं बताना है और ना ही बताया जाएगा। तो वो तत् मंत्र जो है वो सांकेतिक मंत्र है, वो अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का है, वो पर ब्रह्म का है। वो जो जिन्होंने ये सतना, ये दो मंत्र मिलकर ओम और ये तत् सांकेतिक और मंत्र है दूसरा, इन दोनों के मिल जाने से, दो अक्षर के मिल जाने से ये एक सतनाम बनता है। और फिर तीसरा मंत्र जो आपको मिलेगा तत् सत, वो तीनों मिलकर के ये सारनाम, वो तीसरा सारनाम है, लास्ट में तीनों का ही स्मरण शुरू होता है। और इन तीनों की तीन विधि से इसका स्मरण होता है, इसलिए लिखा है कि परम अक्षर ब्रह्म उस पूर्ण परमात्मा सचिदानंद घन परमात्मा की भक्ति का तो तीन मंत्र का ओम तत् सत यही निर्देश है, यानी ये फाइनल फैसला है और यही डायरेक्शन है और कोई दूसरा मंत्र नहीं है। इति सिद्धम्। अपुणात्मा, अब वो धर्मदास जी गीता जी को पढ़ रहा,
और बड़े गर्व के साथ पढ़ रहा है और सोच रहा है कि गीता जैसा ज्ञान नहीं, और ये जिंदा जो है मेरी बात से प्रभावित होकर के मुझे कहेगा कि मुझे ये उपदेश दिला दे। तो परमात्मा ने उसके निकट जाकर के, परमेश्वर ने अपने आप को तो एक दास बनाया और उसको महापुरुष महात्मा, हे महाराज जी अपनात्माओं कालना में अंडी भी बना रखा है, टीटी पका रखा है कि हम अभिमान बहुत करते हैं। यदि परमात्मा पहले से ही उसके ज्ञान को काट छांट कर देता तो वो सुनता नहीं। पहले दास बने, कबीर परमेश्वर ने कहा कि हे महात्मा जी वैष्णो साधु, क्योंकि धर्मदास जी ने वैष्णो संत जैसी वेशभूषा बना रखी थी। परमात्मा बोले हे वैष्णो संत, आप कौन हो, कहां से आए हो, आपने बहुत ही अच्छा ज्ञान सुनाया है तो मुझे भी कुछ मोक्ष मार्ग बता दो, मुझे भी कोई मोक्ष मार्ग बता दो, मैं बहुत भ्रम भटक लिया, मुझे कोई अच्छा जो हमारे संशय को समाप्त कर दे, ऐसा संत नहीं मिला। तो धर्मदास जी समझ गए कि मैं जो सोच रहा था वही बात बन गई, वही बात बन गई। ये तो बड़ा प्रभावित हो गया हमारे मंत्र से, हमारे गीता जी के ज्ञान से, तो कहने लगा कि सुन ले मैं आपको बताता हूं। क्या बताते हैं, परमात्मा प्रश्न करते हैं, धर्मदास उत्तर देते हैं, परमात्मा फिर उसमें थोड़ा विवेचन भी करते हैं, फिर उसके आगे ये सत्संग चलेगा। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। परमात्मा कहने लगे ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। परमात्मा कहते हैं कि मुझे ज्ञान सुना दे और सुना दे, और मुझे परमात्मा पाने की विधि बता दे ताकि मेरा कल्याण हो धर्मदास यानी सेठ साधु, क्योंकि वैष्णो साधु रूप में वो विराजमान थे। अब धर्मदास जी को जो ज्ञान था वो बताने लगा। धर्मदास जब नौ बोलिया 68 तीर्थ नाऊंगा, धर्मदास जब नौ बोलिया 68 तीर्थ नाऊंगा, गीता जी का पाठ करत हूँ इस विधि मुक्ति पाऊंगा, गीता जी का पाठ करत हूँ इस विधि मुक्ति पाऊंगा, राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मिल स्वर्ग में स्थान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। अब परमात्मा ने, धर्मदास कहता है कि मैं 68 तीर्थ नाऊंगा और गीता जी का पाठ करत हूं ईश्वर मुक्ति पाऊंगा, और राम कृष्ण के नाम गुण गाऊंगा, और मिले स्वर्ग में स्थान। हमारी तो दौड़ स्वर्ग से ऊपर थी नहीं, हम स्वर्ग को, स्वर्गवासी, स्वर्ग पहुंच गया भाई, स्वर्ग हो गया। और परमात्मा ने, कबीर जी ने स्वर्ग को तो सबसे घटिया स्थान बताया जहां पर हमें लूटा और ठगा जाता है। स्वर्ग क्या है, जैसे एक रेस्टोरेंट होटल कुल्लू और मनाली में आजकल जैसे जून की धूप तप रही है इस क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, और कुल्लू और मनाली और शिमला के अंदर शीत सुंदर सुंदर बड़ी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चलती है, कभी वर्षा हो जाती है, तो यहाँ के साहूकार लोग जो 10 महीने 11 महीने लगातार जो है मेहनत करते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, उनके पास 20-30-50 हजार स्पेयर हो जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे हो जाते हैं, तो वो अपने सह परिवार कुल्लू और मनाली चले जाते हैं 1-2 महीना वास्ते, और वहां जाकर के उस ठंडे क्षेत्र में आनंद लेने के लिए रहते हैं, एक होटल में एक कमरा किराए पर ले लेते हैं, होटल में एक किराए पर स्थान ले लेते हैं,
और वहां सभी चीज मूल अपनी जेब से खर्च होता होटल में, और जब वह 20-30-50 हजार रुपये उसकी पूंजी समाप्त हो जाती है, वो आनंद लेकर उल्टे ही इसी क्षेत्र में आ जाते जहां उनका कर्म क्षेत्र है, और वह जेब कटवाया है 50 हजार रुपये वहां बर्बाद करके आ गए। अब इसी प्रकार जो यहां पुण्यात्मा है धर्म पुण्य करते हैं, उस धर्म पुण्य के आधार से वह स्वर्ग पहुंच जाते हैं। स्वर्ग रूपी होटल में अपने पुण्यों को समाप्त करके बर्बाद करके खत्म करके वहां थोड़े से दिन मौज मस्ती मार के, और वहीं पर उनको समय निर्धारित होता है, जैसे यहां मृत्यु निश्चित है ऐसे स्वर्ग में भी उन देवताओं की मृत्यु निश्चित है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार तुरंत वहां से मृत्यु होगी, सब सुविधा समाप्त होंगी, क्योंकि आपके पुण्य समाप्त होगी, वो धन खत्म हो गया जो यहां सारे जीवन में इकट्ठा किया था, साधना अध्यात्म धन समाप्त हुआ, फिर नरक में जाओ पाप आधार पे ऐसे। तो यहां धर्मदास कहता है रामकृष्ण के गुण गाऊंगा, 68 तीर्थ नहाऊंगा, गीता जी का पाठ करूंगा, इसलिए स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। इसी को ये मुक्ति कहते हैं, मुक्ति हुई है ये। तो स्वर्ग में तो इतना समझो जैसे हम पहले खेतों में काम करा करते, किसान के घर जन्म था, ऐसे जब ये अप्रैल के अंदर गेहूं काटा करते हाथों से, तो दोपहर के समय 1 घंटा रेस्ट मिलता था हमें, एक कीकर के नीचे एक वृक्ष के नीचे अपना खाना खा लेते और आधा घंटा उसमें लौट कर मस्ती मार लेते छाया में, फिर तुरंत उसी धूप में जाकर फिर कड़ाके की धूप में शाम तक काम करते। तो ये रेस्टोरेंट जो है ना स्वर्ग, तो एक कीकर की छा है 1 घंटे की, उसके बाद फिर 84 लाख के कोल्लू में कुत्ते गधे सुअर और फिर यहाँ चक्कर धक्के खाओ, फिर ये कर्म करते रहो। और हमने स्वर्ग को तो ऐसा मान रखा था कि इसके बराबर कोई और जगह है कोई ना इस ब्रह्मांड में। परमात्मा कहते हैं हमारे सतलोक में चलो, जहां जाकर के तुम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे, वहां कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कार्य नहीं, निष्कर्म में आपको मोक्ष प्राप्त होगा। गीता जी में इसका भी प्रमाण है। अब क्या बताता है परमात्मा, बोले धर्मदास यदि आप गीता जी का पाठ करते हो क्या इससे मुक्ति हो जाएगी? अगौर होगी क्यों नहीं, हमारे गुरुजी ने बताई है। परमात्मा बोले हाँ हो, मैं ये नहीं कहता नहीं होगी, मैं तो आपसे अपने शंका का समाधान करवा रहा हूं, और जब तक आप मेरी शंका का समाधान करोगे नहीं तो मैं आपके ज्ञान को स्वीकार कैसे करूंगा। धर्मदास जी ने बोला हाँ पूछो पूछो। परमात्मा बोले कि एक किसान था, उस किसान को वृद्ध अवस्था में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और उसने सोचा कि तेरी उम्र वृद्ध होगी है और बेटा अभी बालक है, और कहीं तेरी मृत्यु हो जा और ये खेती के यानी खेती के कार्य को ना समझ सके, फसल उपजाने के तरीके को ना जान सके, कहीं ये बेचारा कंगाल ना हो जा और ये दुखी होए, इसलिए उसने अपनी एक बही में, बही मीन एक कॉपी में, हाथ से अपना पूरा अनुभव लिख दिया कि क्रॉप जो है गेहूं की फसल को कौन से सीजन में बीजा जाता है, उसको पहले कैसे खेत संवारा जाता है, और कितना किलो गेहूं का बीज एक एकड़ में डालना चाहिए, फिर किस समय में उसके जो है ना उसमें फर्स्ट वाटरिंग पहली सिंचाई करनी चाहिए, किस समय में खाद डालना चाहिए, वो परिपक्व हो जाएगी जब उसकी ऐसी स्थिति होगी, उसकी बाल को खोल कर देखना चाहिए, वो दाने सूख जाएंगे तब उसको काटना चाहिए, ऐसा कलर यानी पूरा व्यवस्था लिख रखी। और उसने सारा अनुभव लिख करके अपने पुत्र से कहा बेटा मैं मर भी जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए तो आप इस मेरे अनुभव को पढ़कर इसके अनुसार अपनी खेती करना, डेली पढ़ना बेटा इसको अवश्य पढ़ना। तो पुत्र पिताजी मर गया और पुत्र उस पिताजी के दिए हुए अनुभव को लिखे हुए अनुभव को प्रतिदिन पाठ करता है और करता है उसके विपरीत,
खेती उसके अनुसार नहीं कर रहा है जैसे पिताजी का अनुभव था, तो क्या वो किसान का पुत्र गेहूं की फसल प्राप्त कर सकता है? गेहूं की फसल बोने का सीजन है नवंबर में और बोवा उसने जेठ में हैं, और को बाव है ना समारा, यानी और कुछ अडंगा बो दे उस गेहूं के स्थान पर, तो क्या वो धनी होगा? क्या फसल प्राप्त कर लेगा? धर्मदास बोला ना, ये कैसे उसका है, जिंदा तो अच्छी बात करे, वो तो जैसे उसके पिता ने लिखा है उसी को खूब अच्छी तरह पढ़ कर उसी की तरह हरेक उसी तरह काम करे, वो बच्चा सही है। तो नालायक बच्चा हुआ ना, जो गुरु के अपने पिता के अनुभव के अनुसार नहीं चल रहा, कहा हाँ बिल्कुल उसके आदेश का पालन नहीं करा, कहा जी सही है। तो आप जो गीता जी को पढ़ रहे हो इसमें कहीं लिखा 68 तीर्थ मनाऊंगा नहाने की, इसमें कहीं लिखा है कि रामकृष्ण के नाम का जाप करो? अब धर्मदास की तो चौदशी टूट गई। इसमें कहीं लिखा है एकादशी का व्रत रखो? अरे भले पुरुष तुम करो कुछ और कहो कुछ, गीता जी में लिखा पाठ प्रतिदिन पढ़ने से तेरा कल्याण नहीं, इसके पढ़ने से केवल ज्ञान होगा कि हमने ये क्रिया करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और तू इसको पढ़ रहा है कर रहा है वो कबाड़ जो इसके विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध है। तब आया पसीना भाई कहे, वो तेरा गजब हो ये बात तो बाबा जी कांटे की कहे। फिर न बोले जैसे इस तीर्थ के जल में, इस तीर्थ के जल में ना जाने कितने जीव जंतु हैं, और आप इसमें जो इस जोड़ में आप नहाका आए हो स्नान किया है और ऐसे ऐसे मसल मसल के नारे थे, तो इसमें ना जाने कितने जीवों की हत्या कर दी तूने, ये सूक्ष्म जीव जो जल में घूम रहे थे, और वो जो लोटा भर का पानी का करमंडल साथ रखा हुआ था उसने धर्मदास ने, उसके अंदर परमात्मा ने दिखाया कि देख तेरे इस लोटे में कितने जीव जंतु घूम रहे हैं, ये सारे इस तालाब में थे जो तू एक अमृत जल मान के लिया, इससे इसी से तनी गोबर लिपिया पानी मिलाकर माटी में स्वच्छ मान के, अरे इस महाराज ने कितने जीव मार दिए इतना रगड़ रगड़ के नाला, तो मोक्ष कैसे पाओगे, तंदा पाप का ढेर बना लिया और तेरी साधना शास्त्र विरुद्ध है, तुम्हारे मंत्र और ये जाप ये 68 तीर्थ ये श्राद्ध करना ये सारे शास्त्र के विरुद्ध, और गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण मनमानी पूजा करते हैं उनको ना तो कोई सुख हो ना गति हो ना मोक्ष हो ना उनका कोई कार्य सिद्धि प्राप्त हो, फिर क्यों डड़े ढो रहा है पर तेरा गजब। तो जब आई समझ में तो क्या कहते हैं परमात्मा उत्तर देते हैं, तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा ये जीव बहुत से रहते हैं, यदि इस मथुरा के जोड़ में इस जलाशय में तालाब में नहाते तेरी मुक्ति हो, तेरे से पहले तो इसमें ये मछली और कछुए पहले स्नान करने लग रहे, ये तो पार हो जाने चाहिए सबसे पहले, ये तो जन्म इसमें पानी में ही फूटे भाग थरे के क्या साधना करे। तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा ये जीव बहुत से रहते हैं, तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा जीव बहुत से रहते हैं, उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं, उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं, और सतयुग में राम कृष्ण नहीं थे तब तुम किसका रटते नाम भक्त मैं अर्ज करूं। परमात्मा कहते ईब तुम कलयुग में राम कृष्ण जय जय राम राधे श्याम सीताराम, और सतयुग में ना राम था ना कृष्ण था, तब वो उस समय के साधक भी तो कोई जाप जपते होंगे, कोई मंत्र राम का नाम होगा, वो बता पसीने आगे, क्योंकि वेद और गीता में जो है गीता जी में वेदों का सारांश है, और वेदों के मैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है ओम कर्तुषमर कलवेशमर कर्तुम समर, ब्रह्म तक की साधना का उल्लेख है कि ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो,
विशेष कसक के साथ करो और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर भगवान की भक्ति का उद्देश्य समझकर मनुष्य जीवन को ओम नाम का जाप करो। इसी प्रकार परमेश्वर भी यही बताते हैं, वेदों और गीता में कहीं हठ योग जय तप ये करने को नहीं कहा, ना मेडिटेशन के लिए कहा। परमात्मा ने अपने सिंपल लैंग्वेज, अपने जो मुख्य ज्ञान में तत्व ज्ञान में कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। परमात्मा की भक्ति चलते फिरते उठते बैठते, आप बस में बैठो सत्संग से जा रहे हो, दो घंटे लगे तीन घंटे रोहतक तक बरवाला से अपना सिमरन करता जा, या कार में बैठे हो सिमरन करता जा, माड़ा हाथ में ले ले, आते हो आते समय करते आओ। ऐसे ही कोई काम वस्तु जाते हो, आप ऑफिस में जाते हो, उस समय का सदुपयोग करो। ऐसे कोई दुकान पर जाता है, ग्राहक आगे तक ठीक है नहीं, अपना बैठ कर माड़ा जपन लाग गया। और सत्कर मानना, हमारा यह बात विश्वास ना होता कि हम मंत्र जाप करते हैं इससे कुछ लाभ होगा। आप करके देखो, जे आपकी दुकान के ऊपर लाइन नहीं लागे परमात्मा, हम तो देखे ना ओ किस कित बढ़ गया, उस दुकान में गया, इधर आओगा नो नहीं, अपना माला लेकर भक्ति करे जा, देख तेरे बाग का हंग है क्यों नहीं आवेगा। और ठीक रेट लगा, मिलावट मत कर, कुछ दिनों में ऐसी छाप बन जाएगी, आपका नाम रोशन होगा, भगवान साथ होगा। तो हम स्वयं बनना चाहते चतुर, और स्वयं बनना चाहते मिलावट झूठ कपट के साथ, सेठ कभी नहीं बन सकते, ये पल्ला गांठ लगा लेना। परमात्मा बनाएगा तुम अवश्य बनेंगे। अब किसान है, हल जोतता है, हमने देखे ये आली सारा दिन और तक में कामना क्यों, हल और बैल तो कई तो लक्ष्मीचंद की रागनी गाया करते, क्रके के बकवाद करें जानते, कोई कुछ गा रहा है, कोई फिल्मी गाने का, उस समय मालिक की कहता आरती कर ले, देर क्या रमैणी कर ले बैला के साथ साथ, या अपना मंत्र जाप करता हुआ, जो पहला मंत्र है सांस का नाम है, बहुत ही सुंदर ढंग से होता है। क्योंकि परमात्मा जैसे भी आठवें सातवें अध्याय के तीसरे चौथे पांचवें श्लोक में कहा है कि दो प्रकार की प्रकृति है, ये हमारे शरीर की जो प्रकृति, ये भी हमारा सहयोग देगी भक्ति में। जैसे ये दास जूनियर इंजीनियर था और स्कूटर मोटरसाइकिल पर हमारा ज्यादा आना जाना होता था, क्यों फील्ड में जाना पड़ता था, तो जब ये दास सिमरन करता रहता था, श्वास का सिमरन जो मुझे प्राप्त था तीनों मंत्रों का, और रोहतक के अंदर से उस समय केवल एक ये दिवाणी स्टैंड के ऊपर बहुत भीड़ बन जाया करती, जब ऑफिस से आता था तो उसके अंदर से सिमरन करता निकलाता था, हाथ और पैर अपने आप ऑटोमेटिकली कलच और गेयर के ऊपर अपने आप चले जाते हैं, इतने बढ़िया ढंग से सेट हो जाते हैं, और अपने आप से स्पीड कम, और ये प्रकृति करती रहती है और मन सिमरन में लगा रहता है। ऐसा बीता मेरे साथ कई बार, हमारा ऑफिस प्रेम नगर में था, शिला बाईपास के आसपास, और वहां से आना पड़ता था हिसार रोड बाईपास पर, हमारा बार वहीं से कुटिया बना रखी थी, तो उस ब्यवाणी स्टैंड के ऊपर से मैं आता था सिमरन करता हुआ, इतना लीन हो जाता था, जब अपनी गली में मुड़ता था ना, जब याद आता था घरवाले नो कह देते ना जी आज ये कहना दाल खत्म हो गई है, चीनी कोनी या लाइयो लिखवा देते थे, वहां जब मुड़ लेता जब याद आती थी रे कुछ सामान भी लाना था, तो वहां से 2 किलोमीटर फिर वापस जाता था लेने के लिए, इतना याद नहीं रहती थी उस भीड़ में कब निकला उस बाजार के माँ के। तो ऐसे नाम जैसे हाड़ी बीज धुन, और पंथी से बतलावे वा मैं खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगावे। तो पुणात्मा हमारी प्रकृति ऐसी सेट हो जाएंगी, हाथों की जो हम करते हैं, खाली खेत में हल बावे अपने आप बीज छूटता है, उसके हाथ की प्रैक्टिस हो जाती है, और बातें करता रहता दूसरे साथी से, रास्ते में कोई यात्री बात करता, कोई कार्य पूछता है उसको बातें भी बता रहा है उसको, लेकिन अपने हल को नहीं रोकता, क्योंकि उसने उस दिन बीज बीजना अवश्य होता है, और हाथ से अपने आप उसके अनुकूल बीज छूटता रहता है। तो क्या बताते हैं, तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा,
ये जीव बहुत से रहते हैं, उनकी मुक्ति ना होती, वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। सतयुग में राम कृष्ण नहीं थे, फिर तब किसका धरते ध्यान, भक्त मैं अर्ज करूं। अब जब यहाँ फेल हो गया ना, फिर नई और बताई। एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हंसा कोई करता ना। धर्मदास बोला, एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हंसा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना भी सरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना भी सरता ना। शालग्राम की पूजा करूं मैं, दिन में सुबह और शाम, भक्त में अर्ज करूं। अब फिर के पैतरा मारा धर्मदास ने कि मैं एकादशी का व्रत करता हूं, क्योंकि पवित्र हिंदू समाज में एकादशी ये व्रत की निरिमयी मागा रखी है, तो उसको कति पवित्र मान के भी देखूंगा यू के कहेगा जिंदा महात्मा। बेटा एकादशी का व्रत कराया करूं ग्यास का, और हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, ये थोड़ा थोड़ा दुख मानन लायक गया उस सच्चाई का। क्योंकि जैसे सामने वो मुसलमान संत फकीर बैठा था, और धर्मदास जी मान रहा था कि मुसलमान तो मांस खाते हैं, जीव हिंसा करते हैं, वो जो ना बकरे काटते हैं, बकरी बनाते हैं, इसलिए थोड़ी सी वो ट्योंट भी कस गया कि हम जीव हिंसा नहीं करते, हम जीव हिंसा नहीं करते, कति भी जीव हिंसा करते उनको पाप लगता है, वो मोक्ष कभी प्राप्त नहीं कर सकते, धर्मदास ने बोला। और फिर कहता है शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, शिव का लिंग ये पत्थर ये भी पूजते हम, और गुरु जी की सेवा बिना हमारा काम नहीं चलता, यह आध्यात्मिक मार्ग है। और शालिक नाम की पूजा भी करता हूं, जैसे विष्णु जी की मूर्ति का की पूजा करता हूं सुबह शाम। अब परमात्मा बोले, भाई वक्त व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। परमात्मा कहते हैं धर्मदास, एक बार अकाल पड़ा था, सूखा पड़ गया, और उसमें इतना बुरा हाल होकर के प्राणी मरे, किसी को कुछ आहार प्राप्त नहीं हुआ, पत्ते भी तोड़ कर खा लिए, बोधी बाढ़ थी कूट कूट कर वो भी खा ली, और 15-15, 20-20 दिन एक एक महीना कति निर आहार रह करके प्राण त्यागे। उसमें सारे व्रत हो गए, मंगल का भी, सोमवार का भी, अष्टम का भी, छठ का भी, सातम का भी, त्रि एकादशी का भी, तो वह मर क्यों गए, वो तो पार होने चाहिए। जब इतने सारे व्रत हो गए उनके तो कट्ठे, व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा या शालिग सेवा अनजाने में करते हैं, शिवलिंग पूजा और या शालिग सेवा अनजाने में करते हैं। चेतन हो कर भूल रहे हुए पत्थर से नफराम, भक्त में अर्ज करूं। कहते हैं बोले आदमी, यदि व्रत करे तो मुक्ति हो ये तो आप समझिए, और शिवलिंग पूजा ये पत्थर की पूजा शालिग की पूजा कति अनजानपने में बिना ज्ञान के करते हैं, क्या ये पत्थर तुम्हें लाभ देगा। पुण्यात्मा, जैसे एक सेब की मूर्ति है, सेब के फल की मूर्ति यानी पत्थर या प्लास्टिक की हो, आम की हो, और वो मूर्ति बुरी नहीं, लेकिन वह मूर्ति आम का काम नहीं, आम का चित्र, आम की मूर्ति आम का काम नहीं कर सकती, आम के गुणों से युक्त नहीं। वो चित्र केवल उसकी जानकारी देता है, चित्र होना आवश्यक है। अब जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं कि आ का आम, चित्र नहीं होगा तो आम न समझे, या तो ओरिजिनल वस्तु हो कि ये है आम, जैसे हम बताएं कि ये पेन, तो चित्र इसका अवश्य होना चाहिए, या तो ये स्वयं हो या चित्र हो तभी समझेंगे। तो चित्र भगवानों के होना आवश्यक है, लेकिन उस चित्र पर आधारित हो जाना ये मूर्खता है। जैसे आम का चित्र है, आम के चित्र को देखकर के उसका इतना अच्छा स्वरूप होता है कि उसको खाने को दिल करता है, उसको प्राप्त करने की चेष्टा होती है, कहीं आम मिल जावे खाऊं, तो उस चित्र के ऊपर आसक्त हो जाना। जैसे आम के फल का चित्र है, और वो ये वो उससे पता चलता है कि आम मीठा है, जो फलों का राजा है,
तो इसके गुण गाएं जा और उस आम के चित्र पर मत्था टेके जा, उसकी आरती करें जा, उसको धूप दीप करता रहे, क्या वो आम प्राप्त हो जाएगा? नहीं, वो चित्र में जो आम है उसको ओरिजिनल को पता कर, वो कैसे विधि है, उसकी विधि न्यारी है उस चित्र वाले आम को प्राप्त करने की। उसकी विधि है कि पहले मजदूरी कर, फिर जेब में पैसे ले, पैसे लेकर बाजार में जा और आम आम पुकार और लेकर फिर खा। ये पत्थर जो शिवलिंग तू लिए फिरता है, जो तू भगवान शालिग्राम विष्णु जी की मूर्ति ले रहा है, इस मूर्ति से, ये मूर्ति भगवान की है, ये भगवान नहीं है। ये मूर्ति सेब की है, ये सेब नहीं है मूर्ति। ये मूर्ति वाला जो चित्र तू लिए फिरता, भगवान विष्णु की मूर्ति चांदी की बना रखी है, चाहे पत्थर की ले रहा है, ये भगवान विष्णु नहीं है। ये उसका उसकी केवल मूर्ति है। आप उस भगवान को, उस भगवान को प्राप्त कर, उस सेब को प्राप्त कर, उसकी विधि न्यारी है, उसकी मजदूरी कर पहले, उस मजदूरी से फिर वहां पहुंच। जैसे नाम के सिमरन साधना या मजदूरी है, इससे वो भगवान तुझे लाभ देगा। अब व्रत करने का गीता जी मना किया है, देखिएगा छठे अध्याय का 16वां श्लोक। ये गीता ज्ञान कहता है, दाता कहता है अर्जुन यह योग, ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता छठे अध्याय का 16वां श्लोक, ये छठा अध्याय और ये 16वां श्लोक। अर्जुन यह योग, योग माने साधना, भक्ति, न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी व्रत रखने वाले का। न तो बहुत खाने वाले का दड़ी पक्का खा लिया फिर तोड़े जांगड़ाई आए जमाई, वो कैसे भक्ति करेगा? अल्पहार करे, यानी खाने योग्य खावे गणा नहीं खावे। और बिल्कुल ना खाने वाले का, जो बिल्कुल नहीं खाता वो व्रत रखता है। और न बहुत सहन करने वाले का, यानी सोने वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी न तो गणा खावे, ज्यादा खाने से भी आलस बनता है, और ना बिल्कुल ना खाता उसके वैसे पसीने आए रहे। आप एक दिन रोटी छोड़कर देखो क्या हाल होगा आपका। रोटियां याद रहेंगी, भगवान याद ना रहता। हमने खूब देख रखा, मंगलवार का व्रत रखा करता है, दास हनुमान पुजारी था, 25 वर्ष रखा है, और फिर बचपन से शुरू कर दिया था, चौथी पांचवी चौथी कक्षा से बालक थे, बचपन में भूख वैसे ही नहीं मुश्किल से सहन होती है, तो 12 बजे पाछे बताई थी 12 बजे के बाद खाना खा सकते हो, तो 12 बजने मुश्किल हो जाते हैं, वो नो देखे जाते 12 कब से बजे होंगे, सूर्य इधर आ ले, जब घड़ी गाड़ी भी ना थी थी, तो वो रोटी याद रहा करती, हनुमान ना याद रहा करता, हनुमान जी ने सांझ ने याद आ करता, जब वो उसका 40 करण का टाइम हुआ करता, या प्रसाद बांटा करते स्वर दिए की बूंदी, और उस समय कल्याण समझते थे। जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसे निआब। अब क्या कहते हैं परमात्मा के, जिन्होंने जैसा भी प्रभु की साधना की उनको उतना ही लाभ मिलेगा। तो जैसे ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती, प्यास बुझेगी जब एक दो गिलास गट गट पी जावांगे, तो जैसे हम सवार पिए का प्रसाद बांट कर चौड़े पोए फिरा करते, आज बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। परमात्मा कहते ये तो तुम ओस चाट रहे थे, ओस चाटिया करते, और अब आप यहाँ भक्ति कर रहे हो, दान कर रहे हो दोनों हाथों से, और आपको देखियो कि ये शास्त्र अनुकूल साधना, इससे आपको प्रतिफल जबरदस्त मिलेगा। ये आप गिलास के गिलास पी रहे हो, इससे आपकी तृप्ति होगी, आपकी भक्ति प्रफुल्लित होगी, इससे अधिक लाभ होगा। जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, यानी जो जितना धर्म पूर्ण साधना करेगा उतना ही उसके गुड अकाउंट में उतना लाभ मिलेगा, ज्यादा करेगा उसको ज्यादा मिलेगा। ओस चाटन से प्यास नहीं बुझे, वो तो गिलास के गिलास पीने से ही प्यास बुझेगी, पानी की, पानी पीने से। अब फिर धर्मदास जी ने एक दूसरा पैतरा ये मारा था कि हम जीव हिंसा नहीं करते। परमात्मा कहते हैं कि तुम चेतन होकर भूल रहे हो, पत्थर पर भी निफ्राम निफ्रामा निश्चिंत, तुम खुद बोलता है चलता है फिरता है, और तेरा भगवान ने तू उठाए फिर बोलता ना सुनता ना या मूर्ति,
ये सारा दिन इसका आरती करेगा, इन्हें बैठने को आंख पाड़े बैठा रहता है। तो ये मूर्ति है ओनली, ये भगवान नहीं है। और फिर क्या बताता है परमात्मा, कहते हैं भाई तीर्थ बाट चले जो प्राणी वो जीव बहुत से मारे है, तीर्थ बाट चले जो प्राणी वो जीव बहुत से मारे है, जल में सूक्ष्म जीव बहुत है स्नान करत संहार है, जल में सूक्ष्म जीव बहुत है स्नान करत सिंगार है, चौका देवो और हवन करो उसमें होवे हिंसा बे उन्मान भक्त में अर्ज करूं। अब परमात्मा बताते हैं कि वे देख आप कह रहे हैं ना कम जीव हिंसा नहीं करते, कहां से चल के आया है धर्मदास, कहां से आया चल कर आए हो महात्मा जी। परमात्मा कहते हैं उस जीव को तो महाराज जी कहे हैं और स्वयं एक दास बन पर बैठे अपनी आत्मा को काल के जाल से निकालने के लिए कैसे सब छिद्र प्रभु ने करने पड़े, कि न्यो बना यो सुने नहीं मेरी एक भी, और जय मैं अपने सीधा चोट ठोक दूंगा इस पति उठ कर भाग लेगा सुनेगा नहीं। और दास बनकर न्यो कर नाराज ना हो, मैं तो वैसे प्रसंग अपने संग का समाधान कर रहा हूं, तब वो सुनेगा कुछ देर नहीं तो पहले उठकर चल देता ठाकर जोड़े ने, नहीं सुनता भगवान की एक भी वाणी और काल के जाल में रह जाता। परमात्मा ने पूछा आप कहां से आए हो, आपका शुभ नाम क्या है। धर्मदास जी ने कहा कि मैं बांधवगढ़ का रहने वाला सेठ हूं, धर्मदास मेरा नाम है और वैष्णव धर्म मैंने अपना रखा है, और वहां से बांधवगढ़ से यहां तक मैं पैदल चल के आया हूं यात्रा पे, यानी पैदल चलने को और अच्छा मानते थे, श्रद्धा से गया है। परमात्मा बोले कितनी दूर है आपका बांधवगढ़ यहाँ इस मथुरा यानी वृंदावन से, उसने कहा कि 600 700 750 किलोमीटर यानी 200-250 के करीब जो है 250 मील 300 मील जैसा, यानी 250 कुल मिलाकर के 700-800 किलोमीटर पड़ता है। तो कहने के वहां से तू पैदल चल के आया है, कहा वहां से मैं पैदल चल के आऊ, तो एक रस्ते में कितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु तूने कितने आपके पैरों के नीचे मरे, गिनती हुई आपने, आपने कितनी जीव हिंसा करती इस जोड़ मनाने के लिए आए हो तालाब में, और इस तालाब में ना रहते इसमें देख कितने जीव मार दिए, ये तेरे लोटे में देख कितने घूम ना गिरे, और ये तूने जो है ना चौका दिया पहले लिपी और फिर यहाँ पर तू खाना बना हुआ, इस लिपा इस जो चौका तुम लीपते हो ना इसमें भी बहुत ज्यादा आपको हत्या का हिंसा का जो ना पाप लगता है। तो धर्मदास जी का पसीने आ गए के बाद तो महात्मा का काटेगी कसूता काम हो गया था। और कहते तुम हवन करते हो ना लकड़ियां डाल के, लकड़ी डाल ली उसका मां फिर स्वाहा स्वाहा, इसमें भी बहुत जीव मरते हैं भाई, अब खाना बनाओ उसमें भी जीव हिंसा होती है, खाना खाओ उसमें भी जीव हिंसा होती है, आप घूमने फिरने जाते हो फ्रेश होने जाते हो पेशाब करते हो उसमें जीव हिंसा होती है, फिर आप जो है ना आप कहते हो जो जीव हिंसा करता हो पाप मुक्त नहीं हो सकता, कभी मुक्त नहीं हो सकता, तो तेरी मुक्ति क्यों करो कैसे होगी धर्मदास। अब पसीने आगे धर्मदास जी का तो पुण्यात्मा ये एक तत्व ज्ञान से आपको समझ में आओगी, आपको भी चिंता होगी वे रोटी तो हम भी बनावा, हाँ पोचा भी मारते हैं रोज फिलाइन फिनाइल भी मारते हैं, तो ये तो हमें भी पाप हो जाएगा, फिर हमारा मोक्ष कैसे होगा, होगा क्योंकि गीता जी के 18वें अध्याय में लिखा है कि जो कर्तव्य कर्म है वो जो हमारे स्वाभाविक कर्म है वो करने चाहिए चाहे उनमें पाप भी है, जैसे चारों वर्णों का जो ना विवरण दिया है कि ब्राह्मण ब्राह्मण यानी गुरु लोग हवन आदि करते हैं अपना जो भी क्रिया करते हैं वो, और ब्राह्मण शुद्ध क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये जो जिनके जो कर्म है इसके अंदर जो हिंसा होती है, जैसे किसान है हल बहाता है खेत संवारता है, तो हमने देखा उसमें इतने जीव जंतु उस मिट्टी हल्के एक ही अलाई में
एक अलाई 15-20 फुट चौड़ी होता था और पूरे एक एकड़ में घुमा के लिया करते बैल के एक खूड को, तो उसमें इतने कीड़े मकोड़े जीव जंतु गिलगिले गिलगिले है ये गंडे हुए थे और नरे ऊपर आकर उनके और कीड़ियों के बिल के बिल झुंड के झुंड बाहर आकर मर जाते को फाड़ी एकाधे के मंडक का फाड़ी वो कोसा जो होते ना जिससे अल खेत खोद खोदते उसको फाड़ी कहते हैं, उसके द्वारा कछुआ के भी मां जाया करते वो मर जाते और ऊपर उनको पक्षी खाते उनको घर से बेघर कर दिया जाता। अब कहते हैं यो पाप पाप तो तुम्हारा लगेगा लेकिन इनको इनकी विधि बताई है। अब गीता में तो लिखा ये करने चाहिए तो पाप भी है और करने पड़ेंगे और कहां जाओ पेट तो भरना ही पड़ेगा। गीता और वेदों में इन पापों के नाश करने का समाधान नहीं है, इसीलिए ये दोनों भोगने पड़ते हैं पुण्य भी और पाप भी। पाप भी निरे हो है वह भी गुड बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे आपके में, और पुण्य आप कर रहे हो जो विशेष तरीके से दान धर्म करते हो वो पुण्य में लिखे जाते हैं, आपको दोनों भोगने पड़ते हैं। और परमात्मा कबीर जी के पास यानी इस दास को जो दी है वह जड़ी उसके वो मंत्र जो है आपके प्रतिदिन के पापों को समाप्त कर देता है जो जान के नहीं करते। आपके स्वाभाविक कर्मों में जो पाप होते हैं उनको ये मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये प्रतिदिन उनके ऊपर जैसे कपड़ा पहनते हो कुर्ता कमीज उसको पैंट कमीज पहनते हो कुर्ता धोती पहनते हो पजामा तो उसको प्रतिदिन साबुन और जल से धो दिया जावे तो वो स्वच्छ रह जाता है। ऐसे ही इन महापुरुषों की छुरी इसलिए शास्त्र विरुद्ध थी कि इनको कंप्लीट नॉलेज नहीं था, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं था। जैसे भाई परमात्मा पाप काट ही नहीं सकता, इन परमात्मा तक का बेरा नहीं था, ये ब्रह्म को भगवान मान रेश की साधना करते थे। इससे दोनों ही भोगने पड़ते हैं पुण्य और पाप, जैसे कर्म करेगा ये सिद्धांत है ब्रह्म तक का कि वो दोनों भोगने होंगे, वैसे ही कर्म भोगने होंगे। पूर्ण परमात्मा का विधान है कि जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाशे, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराण घासे। एक 1000 क्विंटल घास पड़ा हो सूखा फूस पाती है और उसमें एक माचिस की सींक जलती हुई लगा दे और उसको सारे को फूक कर ढेर को और छोटा सा कर देगी और फिर हवा चलेगी उसे इधर उधर फेंक फेंक और सब साफ हो जाएगा। तो ये विधि परमात्मा के पास ही है, पूर्ण ब्रह्म के पास वो शक्ति है, कबीर जी के पास परम अक्षर ब्रह्म के पास, और वो उस ओम तत् सत इस तीन मंत्र के जाप से जिसमें सतनाम भी है, प्रथम सतनाम से प्रारंभ हो जाएगा पाप कटना। तो उस सतनाम से ये प्रतिदिन के हो रहे स्वाभाविक कर्मों में हमारे चारों वर्णों के कर्मों में जो पाप है वो प्रतिदिन कट जाते समाप्त हो जाते हैं। जानबूझ के करोगे क्योंकि भगत जानबूझ के कर नहीं सकता, उसको इतना ज्ञान भी दे दिया जाता है। अब जैसे पूर्ण संत के बिना कोई भी अधिकारी उपदेश देने का नहीं है, इस पृथ्वी पर आज के दिन कोई पूर्ण संत नहीं है इस दास के अतिरिक्त। ये अभिमान ना समझो, ये यथार्थ बात समझना, दास को अभिमान नहीं करता, इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है, बाकी सब दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, झूठे लाइसेंस बना रहे हैं। अब जैसे किसी कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है उससे दुर्घटना हो जाती है, मोटर कार चला रहा है या मोटरसाइकिल चला रहा है, तो उसका सबसे पहले आकर के पुलिस वाले लाइसेंस पूछेंगे कि तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर लाइसेंस है तो वो बच गया, क्योंकि ये मालूम है उस लाइसेंस का स्पष्टीकरण है कि ये अनजान ड्राइवर नहीं है, ये ट्रेंड आदमी है और जान के एक्सीडेंट यू कर नहीं सकता कि वो मृत्यु स्वयं की भी हो सकती है, तो ये कोई इत्पाक हुआ है हादसा है तो वो बरी हो जाता है। और उसके पास लाइसेंस ना पावे और पावे तो डुप्लीकेट किसी अनाधिकारी का बनाया हुआ तो सीधा जेल में जावे। तो इस प्रकार जैसे आप प्रतिदिन जो कर्म कर रहे हो ये जान कर नहीं करते, ये होंगे अनजान पड़े में, लेकिन इनका भी दंड आपको भोगना पड़ेगा क्योंकि आपके पास वो लाइसेंस नहीं है, आपके पास पूर्ण संत से प्राप्त वो मंत्र प्राप्त नहीं है। और जिन कोई मंत्र प्राप्त है कोई गुरु बना रखे वो अधिक अन अधिकारी से डुप्लीकेट लाइसेंस लिए फिरते हो, तुम सीधे जेल में यानी सजा होगी।
तुम्हें पाप लगेंगे। बोलो सतगुरु जी। पुण्यात्मा, ये 5 दिवसीय सत्संग परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी के सतलोक से इस काल के लोक में आगमन की खुशी में मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में यह सत्संग, यह समागम चल रहा है। उसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर की महिमा से आपको परिचित कराया जा रहा है। उस परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर जी ने, कबीर देव ने स्वयं ही इस पृथ्वी काल के लोक में और इस पृथ्वी लोक पर आकर के अपने पाने की यथार्थ विधि बताई। हम इतने अबोध बालक हैं, हम अध्यात्म ज्ञान में इतने बालक हैं, इतनी बाल बुद्धि युक्त हैं कि परमात्मा यहाँ 120 वर्ष रह कर चले गए और वो हमें कहते रहे मैं परमात्मा हूँ, पूर्ण ब्रह्म हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार मैं ही हूँ। बहुत बार संकेत किया लेकिन हमने इन अज्ञानी ऋषियों और गुरुओं की वो बेसलेस थ्योरी सुन रखी थी, निराधार सिद्धांत हमने ग्रहण कर रखा था कि परमात्मा निराकार है। उसी आधार से हम प्रत्यक्ष प्रकट परमात्मा को पहचान नहीं सके और वो खुद आवाज लगाते रहे हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीरे गरीब दास खालक धनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में या सृष्टि हमर तीर दास गरीब अधर बसो में अवगत सत्य कबीर। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। जैसे छोटे से बच्चा और वो लुका छिपी खेलता है तो बच्चों को खेलते हुए देखता है, फिर वो अपने दादाजी से कहता है कि कल मैं और आप लुका छिपी खेलेंगे। अब दादाजी एक किवाड़ के पीछे खड़ा होकर कहता है आजा ढूंढ ले मैं ना पाऊं, और वो बच्चा उस दादाजी के पास से निकल जाता है, ऐसे करता हुआ वो खड़ा है, बिल्कुल आवाज भी लगा रहा है ना पाऊं, वो इधर उधर देखता हुआ पता नहीं कहां निकल जाता है। तो उसको ऐसे ही परमेश्वर कबीर जी अपनी जानकारी दिया करते थे, खुद कहते थे मैं परमात्मा हूं, फिर कहते थे कि जिस साधना से जो साधना आप जी कर रहे हो आपको परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसा कि प्रसंग चल रहा था आज सुबह के सत्संग में, धर्मदास जी एक बहुत ही अच्छी श्रद्धालु भक्त थे, श्री राम श्री कृष्ण भगवान विष्णु अर्थात तथा श्री शिवजी के ऊपर पूर्ण रूप से आसक्त थे और यही लोकवेद के आधार पर, लोकवेद माने दंत कथा, सुने सुनाया ज्ञान जो किसी शास्त्र में प्रमाण ना हो उसको लोकवेद कहते हैं, अक्षेत्रीय ज्ञान। परमेश्वर जी खुद एक संत भगत की भूमिका करते हैं, स्वयं ही वो तत्वदर्शी संत जगत गुरु होते हैं और स्वयं ही वो पूर्ण परमात्मा होते हैं। पूर्ण परमात्मा तो होते ही हैं ही वो, तो क्या बताते हैं
पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। क्या बताते हैं कि लोक वेद के आधार से मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा था। जैसे ये दास लोक वेद के आधार से क्या करता था, बाबा श्याम जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, मंगलवार का व्रत, स्वार पिय का प्रसाद मंगलवार को बांट देना, सात बार हनुमान चालीसा, फिर जन्माष्टमी का व्रत, श्री राम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र थे जो भी मिला हुआ है जिसने जैसा बता रखा था वो भी रट्टा लगाते। तो ये लोक वेद था, ये किसी शास्त्र में प्रमाणिक साधना नहीं थी। तो परमात्मा कहते हैं कि बोली आत्माओं, आप लोक वेद के आधार से अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। अपने ऊपर ही उदाहरण देकर परमात्मा कहते हैं, लोग पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रस्ते में सतगुरु मिले, सतगुरु यानी सच्चे संत, सच्चे गुरु, तत्वदर्शी संत मिल गए इस भक्ति मार्ग में, भक्ति वाले रस्ते में। ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक हमारे हाथ में दे दिया, अब हम इस अज्ञान अंधेरे में तत्व ज्ञान की रोशनी से चलेंगे, अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होंगे, हम मार्ग को नहीं त्याग सकेंगे, नहीं त्यागेंगे। परमात्मा की तत्व ज्ञान की रोशनी में हम अपना जीवन सफल करेंगे।